दीदी ने ऑन कैमरा बोल दिया कि तुम अपने लवर से जाके बात करोगी, नंबर तो ले जाते फिर रोज फोन कर। अभी तो बस चाय पीना है, 3 बिस्किट 7 बिस्किट खा सकती हो, 7 बिस्किट 7 ठो कॉफी पीनी चाय, कॉफी ही पीना है, कॉफी पीना चाहे चाय पियो शाम के टाइम। और सुबह चाय अच्छा लगता, हमें चाय चला अच्छा, मुझे कॉफी पिलाना। अरे यार तू कहबू तो सब कहे कॉफी पिए बिना, अब सबके चला जाए तब तू कॉफी पियो। हां तो इतना दूध होगा, इतना सस्ता दूध ना आए बल्कि बंदा कॉफी बनाई। नहीं कॉफी में दूध ज्यादा लगता है क्योंकि उसका प्योर प्योर दूध हम अपने में से तुमको थोड़ा सा दे देंगे, पी लेना भले ही। हमने क्यों मना कर दिया साफ साफ कि आज हमारे घर में कॉफी नहीं बनेगा, क्योंकि दीदी दूध बहुत महंगा है, प्योर दूध का बनाएंगे तो इतना दूध कहाँ से आएगा, महंगाई इतना ज्यादा है, इतना दूध काम वाला। अच्छा, हमें ये नहीं समझ में आता है, एक माँ और एक बाप को अगर 10 बच्चे रहते हैं तो चाहे जैसे भी करते हैं 10ों का पालन पोषण करते हैं, और वही एक बच्चे के पास कोई भी शादी के बाद कोई भी फैमिली चला जाता है तो उनको जैसे कि ऐसा लगता है कि आए इतना खर्चा होगा, इतने कम में मेंटेन कर। ये हम हर घर पे देखते हैं, घर घर यही हालत है माँ बाप के, यहाँ मम्मी कभी ये जैसे मम्मी कभी ये नहीं बोलती हैं कि हमारे 10 बच्चे, सब बोलेंगे हमारे बच्चे हैं सबको देना है, लेकिन मम्मी के सिवाय प्यार कोई। अब ये भी हमारी बात भी सुन लो, जो गाँव होता है गाँव में थोड़ा बहुत सस्ताई होती है, यहाँ पे हर चीज का पैसा एक लोग को ही देखना पड़ता है। नहीं शहर की बात में एक बात भी बता रही हूँ कि शहर में इतना ज्यादा खर्चा होता है कि सब कुछ इंसान को अपने आप से मेंटेन करना पड़ता है, कि क्योंकि ये घर घर की कहानी है, मतलब वही है कि 10 बच्चे माँ बाप पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे एक माँ बाप को पालना भारी, अगर से 10ों को पालना रहेगा तो बोलेंगे आज तुम रखो और कल तुम, वही एक माँ बाप बच्चे के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। कैसनो माई नहीं, बात ये नहीं देखिए, कैसनो माँ बाप रहले नु तो अपन बाल बच्चा के खाई चाहे न खाई अपन बाल बच्चा के पोस ले वाले माँ बाप भूखा आज हमरा 4 गो बाल बच्चा बरन सनु, आज हमरा घर में खर्च न रख स्वाती भाभी से 200 रुपया मांग के लेके जाके तब फेन ले गनिया 2 किलो चावल आ दाल उल किन के तब जाके दोपहरिया में बना के तब बाल बच्चा के खेलिए।